हंसता मुस्कुराता चेहरा, उम्र महज 22 माह, मगर शरारती अयाब ने जहानत में बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। फाइटर तैयारों के नाम हूँ। ये कौन सा प्लेन है? पेंटम। ओके। ये कौन सा प्लेन है? वेनम। वेनम। ये कौन सा प्लेन है? लाइट प्लेन। लाइट प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? हुक प्लेन। हुक प्लेन। या पूछे जाएं शोहदा के नाम। ये कौन है? अक्रम। अक्रम शहीद। ये कौन है? ननक। ये कौन है? अजीज भट्टी। पाकिस्तानी मिसाइलों की बात की जाए। ये कौन सा मिसाइल है? बाबर। ये कौन सा प्लेन है? कासनवी। ये कौन सा है? अबादी। या मुख्तलिफ मुमालिक के जहाज और इनके परचमों बारे पूछा जाए। ये नन्ना बच्चा हर बात का जवाब खुदादाद जहानत से देता है। सिर्फ यही नहीं, जनरल नॉलेज में भी अयाब बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देता है। आपका नाम क्या है? मामाद। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी में कौन पसंद है आपको? अल्लाह। कितने हैं? पाकिस्तान का दोस्त कौन सा है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा पसंद है? और अगर मूड हो साइंस दान बनने का, तो ये हुनर भी अयाद ने अभी से सीख रखा है। मोहम्मद अयाब की वालदा का कहना है, पूरी दुनिया में ये वाहिद बच्चा है जो 2 साल से भी कम उम्र में ना सिर्फ बोलता बल्कि चीजों की पहचान भी रखता है। 5 मंथ्स में वो रिकग्निशन करना स्टार्ट हो गया था, मतलब उसमें वो जो अल्फाबेट्स थे उनको रिकग्नाइज कर लेता था, एनिमल्स को रिकग्नाइज कर लेता था, फ्रूट्स को रिकग्नाइज कर लेता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों में एडिशन होती गई, तो अभी ये है कि माशाल्लाह से वो बाकी चीज़ों को, सोलर प्लैनेट्स को, जेट्स, फाइटर जेट्स को, इसके अलावा बोन्स को, ऑर्गन्स को, फ्लैग्स को, इसके अलावा जो हमारे वैसे प्लेन्स हैं, सिविल प्लेन्स जिनको हम बोलते हैं, उनको रिकग्नाइज कर लेता है, टैंक्स को रिकग्नाइज कर लेता है। इसको अभी तक 17 मेडल्स और अवार्ड्स और 2 ऑनररी डॉक्टरेट मिल चुके हैं। उसमें इसको मतलब चैम्पियन ऑफ द यूनिवर्स का अवार्ड मिला। एक मास्टर इनका होता है जो तमिल में वो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन को कहते हैं, उसका अवार्ड इसको मिला। इसके अलावा अब तो ये है कि वो इसको साथ मतलब ऑफिशियली इसको डॉक्टर इंडिया में वो इसको डॉक्टर मोहम्मद अयाब बुलाते हैं। इंटरनेशनल जो हैं वो 17-18 हैं और अभी मज़ीद 3-4 हैं जो इसके आने वाले हैं, और जो पाकिस्तान के हैं वो 2 हैं और 1 के लिए सिलेक्टेड है, तो टोटल 3 पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसके हैं। छोटी उम्र में अपनी जहानत का लोहा मनवाने वाला अयाब अपने जैसे बाकी बच्चों के लिए मिसाल है। अयाब की जहानत के सिर्फ मुल्की ही नहीं बल्कि गैर मुल्की भी मोतरफ है। ऐसे में इसे फख्र पाकिस्तान कहा जाए तो ये गलत ना होगा। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता समा, लाहौर। बाय बाय।